नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 versus Realme Nazo 30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 में 3.04 इंच जबकि Nazo 30 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco M3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 में 0.38 इंच जबकि Nazo 30 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M3 में 197 ग्राम्स जबकि Nazo 30 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Poco M3 में 19:5:9 जबकि Nazo 30 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 में 6.53 इंचेस जबकि Nazo 30 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M3 में 1080x2340 और Nazo 30 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 में 83.25% जबकि Nazo 30 में 83.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nazo 30 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 30 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Nazo 30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M3 में Adreno 610 जबकि Nazo 30 में Mali G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M3 में Qualcomm Snapdragon 662 और Nazo 30 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4 GB, 6 GB, 6 GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64 GB, 64 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M3 में अप टू 512 GB जबकि Nazo 30 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M3 में Android V10 Q जबकि Nazo 30 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco M3 में 6000 mAh जबकि Nazo 30 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco M3 में 3 कलर्स जबकि Nazo 30 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹10,999, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹11,499,
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 30 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,448 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco M3 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 30 की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nazo 30 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco C3 है, दूसरा Moto E7 Power है, तीसरा Infinix Note 11 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।